क्वांटम किसी बॉडी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय दिस इज गिवन बाय एल इज इक्वल टू, मेरे पास यहां पर 2t का स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस ऑफ आपके पास यहां पर 16 आ जाता, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द आपके पास यहां पर बॉडी, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर जो टॉर्क आपके पास लग रहा है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यह हमारे पास अब क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करना है, बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट ये आ जाता है, नाउ द टॉर्क इज गिवन बाय दिस इज गिवन बाय डी एल अपॉन, मेरे पास क्या आ जाएगा डी टी, और वी कैन राइट डाउन द डी बाय डी टी ऑफ, अब आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज 2t का स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा 16। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4t। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 40 कैसे आ रहा है, माइनस ऑफ 4 ये भी पता होना चाहिए, और 16 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, जीरो, एंड देयरफॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज गिवन बाय The torque acting on this body is given by four into t minus of one. ये हमारे पास आ गया। Now, अगर इसी के अंदर टीचर मुझे एक additional problem और पूछ लेता और वो बोल देता कि नहीं मुझे ये बताओ find the torque at t is equal to आपके पास 8 seconds, तो मैं इसका जवाब कैसे देता, तो इसका जवाब मेरे पास कैसे आ जाता, द टॉर्क इज गिवन बाय 4 into 8 minus of 1, और दिस इज 4 into 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 28 Newton meter। क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं, देयर इज नथिंग डिफरेंट, या हम जिसको ये बोल सकते हैं कि कोई चीज मुश्किल या कोई चीज आसान, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी कंप्लीट है या कितनी इनकम्प्लीट है। अगर मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स लगती है, अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है तो टॉर्क लगता है, इतनी सी बात है। अगर आपका मोमेंटम सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो फोर्स जीरो है, तो अगर आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो आपके ऊपर लगने वाला टॉर्क भी क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपस में इंटर रिलेटेड चीज है। हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी चीज है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद रेडियस ऑफ गायरेशन, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, टॉर्क कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम का पिछली बारी मैंने एक शॉर्टकट बताया था, वो शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। और फिर देखो यहाँ पर एक चीज जरूर चाहिए होगी बच्चे, और वो ये लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ करना और फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। अब अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा बेटा यही प्रॉब्लम है जो कि आपको सॉर्ट आउट करनी, कि मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए, मुझे टॉर्क चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो मुझे वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सर कोई तरीका इससे बचेगा नहीं, देखो तरीका तो सिर्फ इतना है कि आप ये दुआ करो कि भगवान आपको ये वाला क्वेश्चन ना स्कूल में दे ना एग्जाम में दे, ये सबसे अच्छा तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको सोचे कि टीचर उस पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम या फिर टॉर्क निकालने को बोल रहा है, तो वो मैं कैसे निकालू। अब इसी को ले लीजिए, यहां पर अब देखो नया क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन कभी भी आपके पास अलग नहीं होते, क्वेश्चन हमारे पास सभी पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। कैसे, मेरे पास अब यहां पर देखिए क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन क्या है मेरे पास यहां पर, टीचर ने जी बोल देना है आपके पास यहां पर, एक मिनट रुकेगा बेटा, एक मिनट रुकेगा, यहाँ पर टीचर ने मुझे बड़ी सिंपल सी चीज एक बोल देनी है, और वो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि मेरे पास यहाँ पर टॉर्क
आपके पास यहां पर एक टॉर्क की इंफॉर्मेशन को मुझे बताना है। एक मिनट बेटा रुकिएगा, मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे यहां पर टीचर अब एक क्वेश्चन पूछेगा यहां पर कि सपोज वी हैव द ग्राफ बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द टाइम टेकन। मेरे पास यहां पर एक ग्राफ बन रहा है बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एंड द टाइम टेकन। देखिए कॉन्सेप्ट हमेशा हमारे पास सेम रहते हैं और आपके पास यहां पर ये टाइम आ गया और टीचर बोलता है जी मैंने आपके लिए ये एक ग्राफ बना दिया, अब इस ग्राफ से और इसका एंगल भी मैंने आपको दे दिया कि ये एंगल 30 डिग्री के बराबर है और टीचर मुझे बोलता है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास कितना टॉर्क निकल रहा है ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। अब बताओ मैं कैसे बताऊंगा इसके अंदर से, मैं किस तरीके से बताऊंगा, मैं बड़े ढंग से इसके अंदर से इस क्वेश्चन के आंसर को बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टॉर्क इज गिवन बाय, आपके पास आ जाता है डी एल अपॉन, मेरे पास यहां पर क्या आ गया द टॉर्क इज गिवन बाय डी एल अपॉन, मेरे पास कितना आ जाता है डी टी। और अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं डी एल डिवाइडेड बाय डी टी एंड देयरफॉर ध्यान से समझना द स्लोप ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एंड टाइम ग्राफ, और जो मेरे पास यहाँ पे टाइम ग्राफ है ये मुझे क्या प्रोवाइड कर देगी बच्चे, विल प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ द टॉर्क, विल बी द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी किसकी, आपके पास टॉर्क की वैल्यू बन जाएगी। जरा स्लोप निकाल कर बताओ। देयरफॉर इन अबव क्वेश्चन कोई बच्चा बता सकता है कि आपके पास स्लोप क्या हो जाएगी जी, बताओ। तो हमारे पास यहाँ पर बड़े सिंपल तरीके से आपके पास आंसर √3। बिल्कुल जी, सो टॉर्क विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री और दिस विल बी 1/√3। ये कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आती है और फिर जब यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो बच्चे को लगता है कि कोई नई चीज आ गई, ऐसा ग्राफ तो हमने कभी किया ही नहीं, कभी किसी किताब में मिला नहीं। और सच बात, आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, तो फिर इसका कोई इलाज है? इलाज ये है कि हम कॉन्सेप्ट सीख के जाएं, हम याद ना करके जाएं, हम कॉन्सेप्ट सीख के जाएं कि मुझे कॉन्सेप्ट के अंदर की क्लैरिटी होनी चाहिए तो मैं कर लूंगा, और अगर मुझे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो मैं याद करता रह जाऊंगा कि यार ऐसा ग्राफ तो सर ने करवाया नहीं तो ये एग्जाम में कैसे आ गया। मोस्टली 90% ऑफ दी बच्चों के दिमाग में यही बात रहती है कि सर ने जो क्लास, देखो डेरिवेशन जो मैं कराऊंगा वो आ जाएगी, जो एग्जांपल्स मैं बताऊंगा वो आ जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट दी क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से कैसे भी फॉर्मुलेट होके हो सकते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो बाकी चीजें तो आसान है यार, डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन है, टॉर्क की डेफिनेशन लिखनी है, कोई भी बच्चा डेफिनेशन लिख सकता है भाई, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक हमारे पास ये है अगर मेरे पास कोई नया क्वेश्चन आता है मैं उस नए क्वेश्चन को कैसे हैंडल करूंगा। जैसे अब हम आगे की तरफ को चलते हैं और आज हम आगे यहां पर चीजों के बीच में फिर एक रिलेशन सेटअप करने की कोशिश करते हैं और यहां पर आज हम सबसे पहले रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कुछ पिछली चीजों को बच्चे, नेक्स्ट वन। सो सबसे पहले दोबारा फिर से हमारे पास शुरुआत होगी किससे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। हमारे पास दोबारा फिर से शुरुआत किससे होगी बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि आपके पास थीटा से। दोबारा फिर से हमारी शुरुआत किससे होगी बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि हमारे पास थीटा से।
कोई भी चीज हमारे पास यहां पर कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है और जब ये रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेट होती है, देखिए रोटेट होगी, ये देखिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब हमारे पास रोटेट होती है तो ये आपके पास क्या करेगी बच्चे, शाबाश बताओ, एक एंगल को कवर करेगी, हाँ या ना। ये तो बिल्कुल सही चीज है कि जब ये बॉडी रोटेट होगी तो आपके पास किसके थ्रू रोटेट होगी, एक एंगल के थ्रू रोटेट हो जाए ये बॉडी, रोटेट हो जाए ये बॉडी का पोर्शन जो यहां पर था थोड़ी देर के बाद यहां पर आ जाएगा और एंगल थीटा रोटेट कर जाएगा, ये बॉडी आपके पास एक्सिस पे रोटेट होगी। इसमें से अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास अलग अलग पोर्शंस आपके पास एंगल थीटा से ही रोटेट कर रहे हैं, चाहे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर हो चाहे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत पास हो। मैं आपको समझाता हूं कैसे, देखिएगा, सपोज कि मेरे पास यहां पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर गया, एक ऑब्जेक्ट आपके पास यहां से यहां की तरफ हो गया। अब बताओ इन दोनों केसेस के अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आपके पास मोशन कर रहा है, मान लिया जाए ये मेरे पास ऑब्जेक्ट वन है और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट वन की दूसरी पोजीशन आ गई, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर टू है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर टू है और ये भी मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर आपके पास क्या टू है। जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट होती है तो बताओ हमारे पास ऑब्जेक्ट वन ने क्या किया, एंगल थीटा से रोटेट किया, आपके पास ऑब्जेक्ट टू ने भी कितने एंगल से रोटेट किया होगा, शाबाश बताओ, ये भी थीटा एंगल से रोटेट किया होगा। ये सभी ऑब्जेक्ट्स जितने भी इस लाइन के ऊपर होंगे सबने एंगल थीटा से क्या किया, रोटेट किया, चाहे वो ऑब्जेक्ट वन है चाहे वो ऑब्जेक्ट टू है चाहे वो ऑब्जेक्ट थ्री है चाहे जो मर्जी। ये ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ऐसे जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो जैसे ये गोल घूमी हर चीज किससे रोटेट होगी, आपके पास एंगल थीटा से आपके पास आगे चली, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब हम अगर बोले बच्चे हमारे पास इन द गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम, इन द गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम, इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन द गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम, अगर मेरे पास एक कोई गिवन इंटरवल ऑफ टाइम आपके पास आ जाता है, दे आपके पास मोशन, दे मोशन इन टर्म्स ऑफ द एंगल अबाउट द फिक्स्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये रोटेट होगी, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है रोटेट होगी आपके पास, तो हर एक ऑब्जेक्ट ने का एंगल थीटा से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ये भी सभी हॉरिजॉन्टल है और ये सभी अब कितने पे है बच्चे, वर्टिकल। सभी पार्टिकल्स ने कितने एंगल से रोटेट कर दिया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, सभी ने 90 डिग्री से हमारे पास क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास और इसने गोल घूम गया तो इसने करीबन 120 डिग्री से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। हर एक ऑब्जेक्ट चाहे वो मेरे घर का दरवाजा क्यों ना, जब मैं उसको मूव करवाता हूं तो घर का दरवाजा भी क्या करता है, जैसे ये मेरे घर का दरवाजा है, ये घर का दरवाजा हमारे पास जब हम खोलते हैं तो इसका हर पोर्शन क्या करता है, आपके पास एक एंगल से क्या कर जाता है, आपके पास रोटेट कर जाता है। ये देखो ये रोटेट कर जाता है, ये आपके पास रोटेट कर जाता है। हर एक दरवाजा जो होता है वो एंगल थीटा से क्या कर गया, आपके पास रोटेट कर जाता है। इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको मेजर किस में किया जाता है हमारे पास, इसको मेजर हम करते हैं हमेशा आपके पास रेडियन की टर्म्स में, तो हम इसको मेजर करते हैं रेडियन की टर्म्स में। आल्सो अगर हम छोटी क्लासेस से देखें तो बताओ एंगल किसके बराबर होता है, शाबाश बताओ, एंगल किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जितना आपके पास बड़ा रेडियस होगा उतनी बड़ी आर्क भी होनी जरूरी है। कैसे,
अगर आप अपने घर के दरवाजे को ओपन करते हो तो सबसे बड़ी आर कोने पे होती है और सबसे छोटी आर कहां पर होती है, बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास हो जाती है। ये बात हमको समझने लायक है कि जब भी आप किसी भी चीज को रोटेट करते हो तो उस रोटेशन के अंदर एंगल तो सेम होता है लेकिन आर्क अलग अलग होती है क्योंकि रेडियस भी हमारे पास क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। कैसे, मैं फिर आपको समझाता हूं। जैसे ये मेरे पास यहां पर मैंने दो लाइन बना दी, ये दो लाइन मैंने बना दी, ये देखते। अब अगर देखा जाए तो यहां पर मेरे पास ये एक आर्क आ गई आपके पास और ये एंगल मेरे पास यहां पर थीटा, ये दूसरी मेरे पास आर्क आ गई, इसके लिए भी एंगल थीटा सेम है कि डिफरेंट है, तो एंगल तो दोनों के लिए सेम है। ये मेरे पास यहां पर आर्क नंबर वन है तो इसके लिए रेडियस मेरे पास आर वन है, ये मेरे पास आर्क नंबर टू है तो इसके लिए रेडियस भी आपके पास किसके बराबर आ जाता है, आर टू के बराबर आ जाता है। तो क्या चीज समझ में आ रही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट की रोटेशन हमारे पास होने लगती है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होने लगती है हमारे पास, दे ऑब्जेक्ट अंडर रोटेशन, दे ऑब्जेक्ट अंडर रोटेशन, दे ऑब्जेक्ट अंडर रोटेशन, दे ऑब्जेक्ट विच इज अंडर रोटेशन शोज, ये क्या शो करती है बच्चे हमारे पास, शोज द इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके पास इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चे हमारे पास, बट डिफरेंट आर्क, बट डिफरेंट आर्क, लेकिन यहां पर जो आर्क होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो आर्क आपके पास होती है वो हमारे पास डिफरेंट हो जाती है। लेकिन फिर बच्चा क्वेश्चन उठाता है कि सर फिर एंगल कैसे सेम हो सकता है, बात तो वही है ना बच्चे हमारे पास, क्योंकि एंगल आपके पास रेशियो है, किस किस की रेशियो है, आर्क अपॉन रेडियस की, आर्क अपॉन रेडियस की रेशियो है। अगर आपका रेडियस छोटा है तो आपका आर्क भी छोटा होगा और एंगल आपके पास थीटा रहेगा, अगर आपका आर्क बड़ा है तो रेडियस भी बड़ा होगा लेकिन एंगल आपके पास क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये पॉइंट है, ये पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन करती है तो सभी ऑब्जेक्ट सेम एंगल से रोटेट कर जाते हैं लेकिन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास वाले होते हैं वो थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। जब आप पंखा घूमते हुए देखते हो तो पंखा कहां पर सबसे ज्यादा तेज आपको चलता हुआ नजर आता है, कॉर्नर्स के ऊपर कि सेंटर के ऊपर, कहां पर तेज आपको नजर आता है, कॉर्नर्स के ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर आपको वो तेज नजर आता है, कभी भी वो सेंटर पे आपको तेज नजर नहीं आता है। रीजन, क्योंकि कॉर्नर ने भी सेम एंगल कवर करना है और सेंटर वाले पार्ट ने भी सेम एंगल कवर करना है लेकिन कॉर्नर वाले ने डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, आर्क सेम टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो वो तेज हो जाता है और जो सेंट्रल वाला पॉइंट होता है वो इतना तेज नहीं हो पाता। इसी वजह से हमारे पास यहां पर सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि एंगल इज इक्वल टू आर्क इनटू रेडियस, तो ये आर्क आ गया और मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास रेडियस की वैल्यू को हम आर बोल देते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ इस वजह से आपको करा रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो, देखो मैक्सिमम टीचर बोलते हैं अच्छा मैंने तो करवा दिया काम खत्म हो गया, अब आप आगे की देखिए, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला करवा रहा हूं और बच्चा बोलता है कि सर वो तो चलो ठीक है आप करवा तो रहे हो पर हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा। इस वजह से मैं 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा लगा दूं तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है, इस वजह से मैं इसके ऊपर दोबारा फिर उतना जोर लगा रहा हूं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क इंटू आपके पास रेडियस, एंगल सभी के लिए आपके पास क्या रहेगा सेम रहता है या आइडेंटिकल रहता है और आर्क के चेंज होने से रेडियस में चेंज आता है या रेडियस के चेंज होने से आर्क में चेंज आता है, ये बिल्कुल क्लैरिटी है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी। बोलो 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 क्वेश्चन पूछो। सर मेरे को ये चीज पूछनी है, आपने यहाँ पर लिखा है कि मतलब हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस,
उधर आपने लिखा है सर, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, ओके ओके ओके, एक चीज वो चीज गलत हो गई होगी, इनटू इनटू रेडियस होना चाहिए था, एक मिनट एक मिनट, हाँ वो मुझसे गलती हो गई, वो मुझसे गलती होगी, इनटू आना चाहिए था, आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा मिसजजमेंट हो गई होगी, एंगल थीटा इनटू रेडियस, आई एम सॉरी, ओके सर, हमारे पास किस तरीके से आ जाती है, अगर बात की जाए एंगल ऑफ वेलोसिटी, द एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा इज गिवन बाय, सिंपली बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी, ये नॉर्मल वैसे ही वेलोसिटी की तरह है, जो वेलोसिटी हम डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन, आपके पास है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम आ जाएगा, और वी कैन राइट डाउन यहाँ पर हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास ओमेगा की यूनिट्स आपके पास किसके बराबर आ जाती है, सो दिस विल बी रेडियन पर सेकेंड, यह हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, रेडियन पर सेकेंड आपके पास, और एक और रिलेशन है जो आपने और हमने बहुत पहले निकाल लिया था, v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे, शाबाश बता दो, r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, इसका मतलब भी आप समझने की कोशिश करें, इसका मतलब हमारे पास ये है कि r मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, और v लीनियर स्पीड है और ओमेगा एंगुलर स्पीड आ जाती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही है, ये देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास यहां पर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रोटेट हो रही है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास रोटेट हो रही है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास रोटेट हो रही है, नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरे पास आपके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हमारे पास इसका मतलब क्या है, ये रेडियस मेरे पास r1 है, ये रेडियस मेरे पास r1 है, एंगल थीटा कवर किया, ओमेगा वन ही स्पीड होगी या ओमेगा स्पीड होगी, और यहां पर रेडियस मेरे पास r2 के बराबर आ जाएगा, और यहां पर ओमेगा मेरे पास इसकी स्पीड आ जाएगी, और r3 मेरे पास यहां पर रेडियस आ गया और ओमेगा इसके लिए भी स्पीड, इन तीनों के लिए ओमेगा की वैल्यू आपके पास सेम होगी कि डिफरेंट होगी, सेम ओमेगा, यानी कि तीनों के ओमेगा एंगल को कवर करने की स्पीड आपके पास सेम होगी, लेकिन जिसका रेडियस कम होगा उसकी वेलोसिटी v1, यहां पर v2 और ये मेरे पास v3, और ये बात बिल्कुल सच है बेटा, अगर आप कभी भी किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कहां पर सबसे फास्ट चलता हुआ नजर आता, कॉर्नर पे जहां पर बच्चे हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन होती है, या उस कॉर्नर के ऊपर जहां से वो फ्री होता है, यानी जब आप अपने घर का दरवाजा ओपन करते हो तो घर के दरवाजे का कौन सा पोर्शन सबसे आपको फास्ट बच्चे बाहर की तरफ को निकलता हुआ नजर आता है, जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन, लास्ट वाला, बिल्कुल, तो यहां पर मेरे पास ये पोर्शन आपको समझा देता है कि आपके पास v3 is greater than v2 is greater than v, और आपके पास ये axis of rotation है, यहाँ पर r की value zero है, तो यहाँ पर velocity एक और तरीके से देखा जाए तो किसके बराबर आ जाती है, zero meter per second, ये हमारे पास zero meter per second के आसपास इसकी velocity आ जाती है, तीनों के लिए omega की value same, omega angle theta same रहता है, लेकिन रेडियस चेंज हो जाता है, आर का आपके पास चेंज हो जाता है, एंड वी थ्री इज ग्रेटर देन वी टू, इट इज ग्रेटर देन आपके पास यहां पर वी वन आ जाता है, ये हमारे पास है, और सिमिलरली देखिए अभी सिमिलरली इसके ऊपर चलेगा क्योंकि आगे हमको ज्यादा इसके अंदर फोकस नहीं करना होता है, सिमिलरली हम यहां पर एक और चीज कह देते हैं, ऐसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है, आर इंटू अल्फा, अब बच्चा बोलता है कि सर ये अब अल्फा क्या चीज है, इसके ऊपर ध्यान दे देते, तो हमारे पास ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी के बाद हमारे पास एक और टर्म आ जाती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन,
फटाक थिंग जो है बच्चा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है एकदम से आप गाड़ी को स्पीड देते हैं तो आपकी गाड़ी का टायर एकदम से स्पीड को पकड़ता है, तो वो जो एक्सेलरेशन फील करता है एंगल्स की टर्म में वो एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास हो जाता है अल्फा, एंड दिस अल्फा इज गिवन बाय डी ओमेगा अपॉन आपके पास क्या आ जाता है डी, सो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास किसके बराबर आ जाता है डी ओमेगा अपॉन आपके पास डी, सो अल्फा आपके पास किसके बराबर आ जाता है डी ओमेगा अपॉन आपके पास डी टी, तो अल्फा जैसे हमारे पास नॉर्मल आपके एक्सेलरेशन होती है एक्सेलरेशन इज डीवी अपॉन डी टी, यहां पर अल्फा किसके बराबर है डी ओमेगा अपॉन डी टी, और इसी से हमारे पास यहां पर ये रिलेशन भी डेवलप हो जाता है ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। अब ये रिलेशन अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं सर मुझे डिराइव करना ही करना है, सो यहां पर मैं उसको हिंट दे देता हूं कि ये रिलेशन आया कैसे, क्योंकि v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दो टाइम से तो बताओ आपके पास क्या आ जाएगा डीवी अपॉन डीटी, ये एक्सेलरेशन होती है, रेडियस कांस्टेंट है और डी ओमेगा अपॉन डीटी, तो अब हमारे पास यहाँ पर रिलेशन क्या आ जाएगा वी कैन राइट डाउन ए इज इक्वल टू आर इंटू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा अल्फा के। हालांकि हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो हम यहां पर पढ़ रहे ये इंफॉर्मेशन हमारे पास बड़े कम लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही आपकी यूज की जाएगी, ये बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पर यूज करने वाला फैक्टर नहीं, ये बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो रोटेट किया, अब सारी चीजें किसकी टर्म में आ रही है एंगल की टर्म। मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पाता है वो ये सोच रहा है कि बॉडी रोड के ऊपर जा रही है, बॉडी रोड के ऊपर ट्रेवल कर रही है तो एक्सेलरेशन डीएक्स अपॉन डीटी है, या सॉरी वेलोसिटी डीएक्स अपॉन डीटी है, एक्सेलरेशन डीवी अपॉन डीटी है, ये पॉइंट अब गलत हो जाएगा। अब जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो किसी रोड पे ट्रेवल ना करके किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपके पास क्या कर रही है रोटेट कर रही है, इस पर्टिकुलर वजह से हमारे सारे पैरामीटर्स जो होंगे वो अब आपके पास यहां पर चेंज हो जाएंगे। अगर वहां पर डिस्टेंस एक्स था तो यहां पर एंगल थीटा आ जाएगा, वहां पर वेलोसिटी वी थी तो यहां पर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी, वहां पर एक्सेलरेशन ए थी तो यहां पर एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी अल्फा के बराबर, ये चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। अगर हमारे पास रिलेशन को देखा जाए वहां पर रिलेशन क्या था वी इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी, तो यहां पर रिलेशन क्या आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ऑफ अल्फा इंटू टी, वहां पर रिलेशन था वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए इंटू एस, तो यहां पर रिलेशन क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा नॉट स्क्वेयर प्लस ऑफ टू इंटू अल्फा, और आपके पास डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा एंगल थीटा, वहां पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वेयर, तो यहां पर अब बताओ कि आपके पास एंगल थीटा किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस ऑफ हाफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा। सारी चीजें हमारे पास इंटररिलेटेड, सिर्फ आपको चीजों को क्या करना है उसके साथ अरेंज कर देना, और क्या नई चीजें हमारे पास, मेरे पास एंगल इज इक्वल टू आपके पास आर का अपॉन रेडियस, ये एक नई चीज आ जाएगी। मेरे पास और क्या नई चीज आ जाएगी, आपके पास वी इज इक्वल टू रेडियस इनटू ओमेगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इनटू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा अल्फा के बराबर, ये सारे पैरामीटर्स मेरे पास एक नई तरह के मोशन की तरफ आपको इंडिकेट करेगा। अब जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ ऐसा आप समझने की कोशिश करें, जैसा फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि पानी आपने रखा है, उस पानी के अंदर बहुत सारी मिट्टी है,
जब वो पानी रोटेट करता है या वॉशिंग मशीन रोटेट करती है तो जितने कपड़े हैं वो भी आपके पास साथ साथ में क्या करते हैं बच्चे बताओ, शाबाश, वो भी रोटेट करते हैं। जब वॉशिंग मशीन रोटेट करती है तो बताओ कौन सा कपड़ा काफी फास्ट आपको चलता हुआ नजर आता है और कौन सा कपड़ा आपको काफी स्लो चलता हुआ नजर आता है। जब कोई वॉशिंग मशीन आप ऑन करते हो अंदर पानी रोटेट होता है, चलो कपड़े को भी आप छोड़ दीजिए, पानी सबसे ज्यादा फास्ट कहाँ चलता है और सबसे ज्यादा स्लो कहाँ पर चलता हुआ नजर आता है, शाबाश। जो बच्चे हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास होता है वो आपको काफी स्लो नजर आता है और जो बिल्कुल कॉर्नर पे होता है वो फास्ट नजर आता है, यानी वहां वी बढ़ जाता है। जबकि सबके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या है बच्चे, सेम है। अल्फा की वैल्यू क्या है, सेम है। इन्हीं सारी चीजों को अब हम यहाँ पर रिलेट करके आगे की तरफ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल आएंगे एज कंपेयर टू द न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल आपको ज्यादा नहीं आएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल आ जाएंगे। अच्छा जी, फास्ट सबसे ज्यादा कौन चल रहा है, कॉर्नर वाला। स्लो कौन सा सबसे ज्यादा चल रहा है, जो बिल्कुल आपके पास है, सेंट्रल वाला। बिल्कुल, मतलब कि इस तरह से आपको इसके अंदर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टीचर पूछने की या बताने की कोशिश करता है। अब हमारे पास इसके ऊपर आती है डेरिवेशंस, फिर दोबारा से डेरिवेशंस आती है, फिर दोबारा से हमारे पास यहाँ पर डेरिवेशंस आती हैं। और हमारे पास सबसे पहले डेरिवेशन आती है इसके ऊपर, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। अब आप बोलोगे सर हमने निकाल तो लिया था, बिल्कुल निकाला था, लेकिन फिर एक और तरीका। सपोज कि मेरे पास यहां पर कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट, ये कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास मेरे पास एम वन है, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, और इसका डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है, आर वन के बराबर। मास मेरे पास एम टू है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास कितने के बराबर है, आपके पास आर टू के बराबर। मास मेरे पास एम एन लगा लेते हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास आर एन है और ये ऑब्जेक्ट रोटेट होनी शुरू हो जाती है। ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही है अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर से, तो हर मास बच्चे अब गोल घूमना शुरू कर देगा। ये M1 मास ये भी गोल घूमेगा आपके पास, ये M2 मास ये भी गोल घूमेगा आपके पास, ये MN मास ये भी आपके पास गोल घूमना शुरू कर देगा। ये हमारे पास ऐसे हो गया जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सी ब्लेंडर के अंदर आप कोई सामान डाल के उसको ऑन करते तो हर चीज गोल घूमती है, तो मास M1 भी घूमेगा, M2 भी घूमेगा, MN भी घूमेगा, सभी घूमेंगे आपके पास। नाउ वी कंसीडर, यहां पर हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर द वेरियस मासेस M1, आपके पास M2, M3 एंड सो ऑन अप टू MN having the position vector r1, r2 and so on up to rn from the axis of the rotation. The rigid body is rotating. जो आपके पास रिजिड बॉडी है इज रोटेटिंग विद एक्सेलरेशन अल्फा और आपके एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यह हमारे पास इस एक्सेलरेशन से रोटेट हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना कि हम यहां पर करना क्या चाह रहे हैं बच्चे। देयरफॉर द नेट टॉर्क एक्टिंग इज गिवन बाय
यहां पर जो नेट टॉर्क हम देना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, फोकस करना। हमारे पास नेट टॉर्क कैसे निकलेगा, सबसे पहला टॉर्क, ये जो m1 मास है जो r1 डिस्टेंस पे, तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो m1 पे फोर्स लग रही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन a1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मेरे पास कितना आ गया r। सेकंड, दूसरा मास m2, एक्सेलरेशन a2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2। तीसरा मेरे पास m3 into a3 into मेरे पास r3 and so on, और करते करते हमारे पास यहां पर क्या चीज आ गई, प्लस ऑफ mn into an into मेरे पास क्या आ गया, आपके पास rn आ गया। ये हमारे पास काम करने का तरीका है बच्चे, मैं आपको एक बता दूं, इसका आपके अंडरस्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं, मेमोरी से आपके पास लेना देना। स्कूल के अंदर जब टीचर ये वाला क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है ये मैटर करेगा, और टीचर इसके ऊपर आपको सिंपल बोलेगा भाई ये मुझे इक्वेशन डिराइव करके बता दो, मैं आपको 5 मार्क्स दे दूंगा, इससे ज्यादा टीचर आपको यहाँ पर कुछ नहीं पूछेगा। और एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, अभी करके हम हटे हैं पीछे, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, आर इंटू अल्फा, और आर इंटू अल्फा सबके लिए, हमारे पास यहां पर क्या है, अल्फा सबके लिए सेम, तो इस वजह से मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा एम वन। अब ए वन की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा आर वन इंटू अल्फा इंटू आर वन प्लस ऑफ एम टू। अब ए टू की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा आर टू इंटू अल्फा इंटू आर टू प्लस ऑफ एम थ्री इंटू ए थ्री की जगह कितना आ जाएगा आर थ्री इंटू अल्फा इंटू आर थ्री एंड सो ऑन प्लस ऑफ मेरे पास एम एन इंटू आर एन इंटू अल्फा इंटू मेरे पास आर एन। अब इन सब में से एक चीज कॉमन निकल सकती है और वो मेरे पास यहां पर किसके बराबर है अल्फा। इन सबके अंदर से मेरे पास यहां पर अल्फा कॉमन निकल जाएगा, तो मेरे पास यहां पर आपके पास अल्फा कॉमन निकल जाएगा, अंदर अब क्या रह जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस ऑफ m2 r2 का स्क्वायर प्लस ऑफ m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में मेरे पास क्या आएगा mn rn का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाली चीज किसके बराबर होती है, ये हमारे पास आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाती है। एंड देयरफॉर अब मेरे पास जो टॉर्क लगता है उस टॉर्क का एक और फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय, इसका एक और फॉर्मूला मेरे पास कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स किसके बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमने रोटेशनल मोशन में क्या किया, ये फोर्स आपके पास टॉर्क बन गई, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है और एक्सेलरेशन की जगह मेरे पास क्या आ गया अल्फा, बाकी सारी चीजें सेम। ये डेरिवेशन करने के आपको यहां पर 5 मार्क्स मिले, ये डेरिवेशन करने के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय आई इनटू अल्फा। क्वेश्चन कैसे आएगा, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, अ बॉडी, मेरे पास यहां पर एक बॉडी है, अ बॉडी हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अ बॉडी हैज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 20 आपके पास केजी मीटर स्क्वायर एंड हैविंग एक्सेलरेशन ऑफ angular acceleration of आपके पास यहां पर 10 आपके पास रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑफ द बॉडी, मुझे क्या बताना है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, शाबाश, कैसे बताओगे आप बताओ, कैलकुलेट द टॉर्क सोल्यूशन, देखो कितना सिंपल सा सोल्यूशन है, द टॉर्क इज गिवन बाय आपके पास आई, आई हमारे पास यहां पर कितने के बराबर है 20 और एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास 10, सो द आंसर विल बी 200 आपके पास यहां पर न्यूटन मीटर, ये आंसर। तो टॉर्क निकालने का एक तरीका और भी आ गया,
ये चैप्टर के अंदर वास्टनेस बहुत ज्यादा है, यानी कि ये चैप्टर वास्ट बहुत ज्यादा। यहां पर बच्चे को लगता है कि यार सर अभी तो टॉर्क करके हटे थे, और वो टॉर्क कौन सा टॉर्क था, वो भी एक टॉर्क था, लेकिन उस टॉर्क के अंदर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉर्क निकालते हैं, यानी कि वो हमारे को बताता है टॉर्क एग्जैक्टली लगेगा कैसे। यहाँ पर मैं डायरेक्शन नहीं बता सकता, यहाँ पर कोई बच्चा मुझे डायरेक्शन नहीं बता सकता, यहाँ पर सिर्फ इतना बता सकता है कि टॉर्क आपके पास कितना लगेगा और कैसा लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई बच्चा किसी भी दूसरे तरीके से डायरेक्शन वगैरह नहीं बता सकते, सिर्फ एक टॉर्क लग गया एक बॉडी के ऊपर और जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या कर गया, हमारे पास रोटेट कर गया। तो टॉर्क हमारे पास यहाँ पर आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, और अल्फा हमारे पास यहाँ पर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क आपके पास किसके बराबर आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या एंगुलर मोमेंटम की भी डेरिवेशन लाई करेगी, बिल्कुल जी। इसके साथ ही साथ हमारे पास वी हैव द डेरिवेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। सो वी हैव द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। सेम सारी चीज, फर्क सिर्फ इतना है कि अब एंगुलर मोमेंटम अगर हमारे पास आ रहा है तो इस एंगुलर मोमेंटम को हमने किस तरीके से डिराइव करना। सो कंसीडर, एक हम रिजिड बॉडी यहां पर कंसीडर करते, और ये रिजिड बॉडी क्योंकि एंगुलर मोमेंटम निकालना, ये एक एक्सिस के अबाउट हमारे पास क्या कर रही है, आपके पास रोटेट कर रही है। ये बॉडी हमारे पास एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, आपके पास रोटेट कर रही है। ये मास मेरे पास m1 है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास r1 के बराबर है। ये मेरे पास मास आ गया m2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया r2। ये मास मेरे पास m3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास r3, एंड सो ऑन। मतलब कि ऐसा करते करते आपके पास nth आ गई, और ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट हो रही। आप देखते चलना, यहां पर मेरे पास ये अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से रोटेट हो रही थी, और यहां पर अब ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड से आपके पास रोटेट होगी। ऑफ कोर्स ये हमारे पास सर्कल में गोल घूम जाएगी, ये हमारे पास सर्कल में गोल घूम जाएगी, ये हमारे पास सर्कल में गोल घूम जाएगी, एंड सो ऑन। अब करना क्या हमारे पास, नाउ द आपके पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब बताओ इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैसे दिया जाए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी गिवन बाय। तो मैं एक एक का एंगुलर मोमेंटम निकालते जाऊंगा। पहले का मास m1 है, मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, क्योंकि देखो वेलोसिटी चेंज होती रहती है, v यही तो बताया है कि v चेंज होती रहेगी, आपका रेडियस चेंज होता रहेगा लेकिन ओमेगा सेम रहेगा। तो m1 और v1 into r1, दूसरी बॉडी तो m2 v2 into r2, तीसरी बॉडी m3 v3 into r3, एंड सो ऑन करते करते लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, mn vn into मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आर एन आ जाएगा। और v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर ओमेगा। तो अब मेरे पास आ गया एम वन, अब v1 है तो आर वन ओमेगा, तो मेरे पास आर वन इंटू ओमेगा इंटू आर वन। देखते चलना आपके पास फिर दोबारा से वही चीज आ जाएगी, एम टू आ गया आपके पास यहाँ पर, v2 की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, आर टू इंटू ओमेगा, ओमेगा सेम है, इंटू आर टू, एंड सो ऑन। और प्लस ऑफ एम एन, और यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, आर एन इंटू ओमेगा इंटू आर। यहां पर इन सब में से क्या कॉमन निकल जाएगा, ओमेगा, अंदर क्या रह जाएगा, तो मेरे पास एम वन आर वन स्क्वेयर और एम टू आर टू का स्क्वेयर, एम थ्री आर थ्री का स्क्वेयर, एंड सो ऑन। और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, एम एन इंटू आर एन का स्क्वेयर। ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
सो आपका एंगुलर मोमेंटम बताओ किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा इंटू आई। और लास्ट बच्चे हमारे पास एल इज इक्वल टू किसके बराबर है, आपके पास आई ओमेगा। ये हमारे पास एक कोरिलेशन, ये भी हमारे पास एक और रिलेशन आ गया। अब मतलब क्या आपके लिए थोड़ी सी, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ प्लस वन, ये प्लस वन का सबसे बड़ा चैप्टर है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि आप कोई फॉर्मूला भूल ना जाए, आप किसी फॉर्मूले को आप किसी तरीके से इग्नोर ना कर दें। कि मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर आर क्रॉस पी करें कि आई इंटू ओमेगा करें। ये रिजिड बॉडीज के लिए, जो पिछली बार था वो रिजिड बॉडीज के लिए बिल्कुल भी नहीं था, वो बिल्कुल भी हमारे पास यहाँ पर रिजिड बॉडी के लिए नहीं था। तो मेरे पास यहाँ पर दो रिलेशन और आ गए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा और एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब देखो कहानी कैसे शुरू होती है। नेक्स्ट वन, फिर दोबारा से हम यहां पर आते हैं, रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन टॉर्क, द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम, द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम। अभी थोड़ी देर पहले हम करके हटे कि आपके पास टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होती है, द टॉर्क इज गिवन बाय आई इनटू अल्फा एंड एंगुलर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया आई इनटू ओमेगा। आल्सो एक और चीज है मेरे पास, आल्सो अल्फा किसके बराबर होती है मेरे पास, शाबाश बता दो, डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो आपके पास अल्फा किसके बराबर है, डी ओमेगा बाई डी टी। Differentiation of the velocity with respect to the time is the angular acceleration, and therefore, अब ध्यान से समझना, we can write down dl upon dt, मैं इसको differentiate कर रहा हूँ, is equal to I common d omega upon dt। तो dl upon dt मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो, ये मेरे पास टॉर्क के बराबर आ जाएगा, and this is equal to I into alpha। सो टॉर्क इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, आई इंटू अल्फा। तो ये मेरे पास इनके बीच में इक्वेशन सेटअप हो गया। दोबारा फिर से भी, एंड हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम is equal to the external torque imposed on the body, the external torque imposed on the body, जो कि उस बॉडी के ऊपर आप क्या कर रहे हो, इम्पोज कर रहे हो, जो कि आप उस बॉडी के ऊपर क्या कर रहे हो, इम्पोज कर रहे हो। यहीं से शायद से हमने अपने लेक्चर की शुरुआत की थी, और देखो बच्चे एंड पॉइंट भी वही पर। तो कुल मिलाकर बच्चे हमारे पास, मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ, ये चैप्टर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का ही है। सिर्फ उस टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को आप अलग अलग तरीकों से क्या कर रहे हो, निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, बताने की कोशिश कर रहे हो कि देखिए भाई टॉर्क की वजह से चीजें रोटेट होती हैं, एंगुलर मोमेंटम उसको एक सेट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर किसी सिस्टम पे बाहर से टॉर्क जीरो हो जाए तो क्या हो जाए, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाता है। नाउ we talk about the conservation of the angular momentum. Now this is a most important topic. Most questions are expected from this principle. Conservation of angular momentum. क्या बोलता है conservation of angular momentum? जैसे momentum तभी change होता है जब force लगती है, और अगर फोर्स नहीं लगेगी तो मोमेंटम में कभी चेंज नहीं आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू दिस वन, इन एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ
in the absence of any net external torque. Any net external torque on a system, the total angular momentum, the total sum of the angular momentum remains. The total sum of the angular momentum remains constant. ये हमारे पास यहां पर constant रहता है. This remains constant. ये हमारे पास क्या रहता है? Constant. आपके लिए ये बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट होगी, बट मेरे लिए या किसी भी गाड़ी बनाने वाले के लिए या किसी भी हेलीकॉप्टर को डिजाइन करने के लिए या किसी भी प्लेयर के लिए जो ओलंपिक्स के अंदर जाता है या फिर किसी भी आइस स्केटर पर्सन के लिए या फिर किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. या अगर मेरे पास मान लिया जाए कि मैं टॉर्क की बात करता हूं तो वो किसके बराबर होती है? dl upon dt. अगर ये टॉर्क आपके पास जीरो के बराबर है, सो वी कैन राइट डाउन हियर, अगर यहां पर अगर मेरे पास टॉर्क एक्सटर्नल बिकम्स इक्वल टू जीरो, ये टॉर्क एक्सटर्नल आपके पास जीरो के बराबर है, देन आपके पास यहां पर dl by dt आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास जीरो के बराबर है, और इसका मतलब which means that इसका मतलब क्या होता है? Which means that L, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, the angular momentum, वो आपके पास कॉन्स्टेंट. देन L यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास इज कॉन्स्टेंट. ये हमारे पास यहां पर पूरी तरह से क्या है बच्चे? आपके पास कॉन्स्टेंट है, यानी इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है. ये आपका एंगुलर मोमेंटम सेट हो जाता है अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगता. और इसका मतलब हमारे पास इसका मतलब आ जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 इनटू बच्चे हमारे पास ओमेगा. ये हमारे पास इसकी फर्दर एक और स्टेटमेंट आ जाती है. फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर के पास दो रोटर्स क्यों होते? उसके बाद दो पहिए, आपके पास दो पंखे क्यों होते? हेलीकॉप्टर के पास दो पंखे कौन से होते हैं? एक जो उसके बिल्कुल मेन बॉडी पे लगा होता है और दूसरा जो उसके टेल साइड पे पिछली तरफ लगा होता है. ऐसा क्यों? वहां पर दो पंखों की जरूरत क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जब कोई पर्सन ओलंपिक्स के अंदर डाइव करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ को छलांग लगाता है, तो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेता है? या फिर ऐसा क्यों होता है कि जो पर्सन आइस स्केटिंग करता है, आइस स्केटिंग जो बर्फ के अंदर बच्चा हमारे पास एक्रोबेट्स करते हैं, तो जैसे ही वो अपने बर्फ के अंदर एक्रोबेट्स करने लगते हैं तो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं? ऐसा क्यों होता है कि बिल्ली जो आपकी कैट है वो जितनी मर्जी हाइट से नीचे की तरफ को गिरे वो हमेशा अपने पाँव पे लैंड करती है? इन सभी के पीछे का रीजन हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ऐसा क्यों होगा कि जब चाइना अपने डैम के अंदर पूरा पानी भर लेता है तो दिन की ड्यूरेशन में फर्क आ जाता है? ये सारी चीजें रिलेटेबल है हमारे पास विद द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी झूले के अंदर से जैसे नीचे की तरफ को उतरते हैं तो वो जो झूला है वो आप जैसे ही नीचे उतरते हो तो वो कहाँ की तरफ को जाने की कोशिश करता है? वो जो झूला है वो जो आपके पास पीछे, जैसे मैं आपको समझाता हूं ये चीज, इसको आप एक एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए. मान लो ये फ्रिक्शन लेस, मेरे पास यहां पर एक ट्रैक है फ्रिक्शन लेस, और कोई पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है और ये पर्सन अपने हाथ पे एक छाता लेके यहां पर खड़ा हुआ है. आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जब ये पर्सन छाते को गोल घुमाएगा तो क्या ये प्लेटफॉर्म स्टेशनरी रहेगा कि ये गोल घूमना शुरू कर दे? क्या लगता है आपको? अगर ये पर्सन इस
अम्ब्रेला को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर दे, तो जिस प्लेटफॉर्म पे ये खड़ा हुआ है ये प्लेटफॉर्म स्टेशनरी रहेगा कि ये उल्टी तरफ को गोल घूमना शुरू हो जाता है? कभी एक्सपेक्ट किया आपने? कभी कभी सोचा इसके बारे में आपने? गोल घूमेगा सर? बिल्कुल, ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर गोल घूमने की कोशिश करते, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये बोलता है कि शुरुआती दौर के ऊपर अगर आपका एंगुलर मोमेंटम जीरो था तो बाद के अंदर भी जीरो रहेगा। आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें टॉर्क की जरूरत होती है, हमें टॉर्क की जरूरत होती है। जो भी पर्सन, जैसे कि हमारे पास कोई भी पर्सन है, ये आई इंटू ओमेगा, देखो हमारे पास यहाँ पर कोई पर्सन है और वो पर्सन क्या करता है, अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेच कर देता है, ये बिल्कुल स्ट्रेच है और इसके हाथों में मेरे पास वेट लगाए गए, ये अपने हाथों को स्ट्रेच किया हुआ। जैसे ही अपने हाथों को स्ट्रेच करके आपके पास गोल घूमना शुरू करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम इंटू आर का स्क्वायर। हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है क्योंकि आपके पास ये जो मासेज है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर आपके पास होते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास बहुत बहुत आपके पास क्या होता है, ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ये पर्सन गोल घूमते हुए अपने हाथों को क्लोज करना शुरू कर दे, जैसे कि आइस स्केटर जो होते हैं ना बच्चे, बर्फ के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर बर्फ के अंदर लोग जो होते हैं वो रोटेट करते हैं अपनी बॉडी को, कभी देखा आपने, बड़ी तेजी से रोटेट करने लग जाते हैं, अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं, कभी ऑब्जर्व किया आपने बच्चे उन चीजों को? आपने कभी ऑब्जर्व किया बच्चे? आइस एक्रोबेट बोलते हैं, आपने अभी अभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया बच्चे? क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो जो ओलंपिक के अंदर इवेंट भी होती है बच्चे, कभी आपने ऑब्जर्व किए होंगे बच्चे, जिसमें बर्फ के जो बच्चे आपके पास बर्फ के जो बूट पहन के होते हैं और वो पर्सन क्या करते हैं, जैसे ही म्यूजिक तेज होता है तो वो अपने आप को तेज कर लेते हैं, अपनी अपनी बॉडी की स्पीड को, गोल तेज हो जाते हैं, वो रोटेशन तेज हो जाती है उनकी, कभी ऑब्जर्व किया आपने, है ना? तो वो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं, वो क्लोज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और ओमेगा बढ़ जाता है। ये सारी चीजें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास यहां पर यही बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर क्या बोला जाता है कि ये आई मेरे पास है, मेरे लिए मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा मेरे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास हमारी एंगुलर स्पीड, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाती है, शाबाश बता दो बच्चे, एंगुलर स्पीड आ जाती है। अगर आप अपनी बॉडी को क्लोज करते हो तो एम इंटू आर का स्क्वायर, आप आर को छोटा करने लग जाते हो, जैसे जैसे आर छोटा होने लग जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने लग जाएगा, तो आपके एंगुलर स्पीड तेज हो जाएगी, आप और तेजी से गोल घूमने लग जाओगे। ठीक है बेटा, तो कल हम यहीं से शुरू करेंगे और तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आज का थ्योरेटिकल पोर्शन था तो मैं धीरे धीरे करके आपको होमवर्क वगैरह भी देना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए।